दिस इज शिवम मिश्रा एंड वेलकम टू द लर्न बुक हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन का यह दूसरा वीडियो है अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसको विजिट करके चैनल पर देखिए इसके बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल चलिए हम अपने लेसन को कंटिन्यू करते हैं आइए शुरू करते हैं इसके खोजकर्ता लुई ब्रेल हैं जो कि फ्रांस के निवासी थे मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं जिन्हें छू कर पढ़ा जाता है जो आँख से नहीं देख सकते हैं उनके लिए यह लिपि होती है मोटे कागजों पर उभरे बिंदु होते हैं और उन्हीं को छू करके वो पढ़ते हैं तो लुई ब्रेल खुद नहीं देख सकते थे आँखों से तो वो बचपन से उनके साथ में ऐसा था लेकिन जन्म के समय में वो देख सकते थे कुछ सालों तक वो देख सकते थे इसके बाद में एक दुर्घटना हुई जिसकी वजह से लुई ब्रेल ने अपनी आँखों की रोशनी खो दी और इसके बाद में वो नहीं देख सकते थे फिर उन्होंने एक लिपि की ईजाद की जिसका नाम था ब्रेल लिपि और उसमें मोटे कागजों पर उभरे बिंदु बने होते हैं जिन्हें छू करके पढ़ा जाता है तो यह लिपि छः बिंदुओं पर आधारित होती है जैसे कि हमारे हिंदी के अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो अंग्रेजी में टोटल ट्वेंटी सिक्स अल्फ़ाबेट्स होते हैं और उन्हीं पर आधारित सारे वर्ड्स होते हैं इसी तरह से जो बेल स्क्रिप्ट है ये छः बिंदुओं पर आधारित है उसमें छः बिंदुएँ होती हैं और उन्हीं पे पूरा जितने भी वर्ड्स होते हैं उन्हीं पे बन और जो ब्रेल लिपि है ये अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है अभी तक क्या होता था कि केवल ह्यूमन बींग उसको बना सकते थे उसको लिख सकते थे और इसीलिए बहुत ही कॉस्टली पड़ता था बहुत समय लगता था और काफी सारे जो साहित्य हैं वो ब्रेल लिपि में नहीं अवेलेबल हो पाते थे लेकिन अब क्या है कि कंप्यूटर भी लिख सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है आइए अब देखते हैं कि असम में घर किस तरह से बने होते हैं तो असम में कुछ इस तरह से जो वहाँ की जो टिपिकल घर होते हैं वो कुछ इस तरह से बने होते हैं तो ये जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं ये ऊंचाई पर इसलिए बनाए जाते हैं इतने ऊंचे क्योंकि वहाँ पे बाढ़ वगैरह आया करती है और इसीलिए ये 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं तो मजबूत बांस के खंभों पर इन्हें बनाया जाता है और अंदर से भी ये लकड़ी के ही बने होते हैं और इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसी तरह से असम में जो घर होते हैं टिपिकल घर वो बने होते हैं अब आइए हम देखते हैं मनाली हिमाचल प्रदेश मनाली एक हिल स्टेशन है जो कि हिमाचल प्रदेश में है तो ये मनाली की एक सीनरी है यहाँ पे घर पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं और यहाँ पे बर्फबारी हुआ करती है जैसे इस समय पर जो दिसंबर से जनवरी वाला महीना होता है यही यही समय होता है वहाँ पे बर्फबारी का बर्फबारी के साथ साथ में वहाँ पे बारिश भी होती है और इसलिए ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है और ये जो जनवरी वाला महीना है यहाँ पर इस समय पर तो वहाँ पर भीड़ लग जाती है आजकल तो राजस्थान राजस्थान में घर कुछ इस तरह से बने होते हैं तो ये मिट्टी के घर होते हैं इनकी दीवारें मोटी होती है और ये लीप पोत कर काफी सुंदर बनाया जाता है इनकी दीवारों को और इनकी छत कटीली झाड़ियों के द्वारा बनी होती है ये आप इस चित्र में देख सकते हैं आइए अब आगे बढ़ते हैं श्रीनगर जम्मू कश्मीर श्रीनगर जम्मू कश्मीर का एक ये दृश्य है यहाँ पे हाउस बोट पे लोग रहते हैं और शिकारा से अपना सामान वगैरह लाते ले जाते हैं शिकारा ये होता है यहाँ नीचे आप देख पाएंगे जैसे कि चित्र में भी दिख रहा होगा जो पहले वाला चित्र था ये शिकारा है और जो सामने की तरफ घर दिख रहे हैं ये हाउस बोट हैं इन्हें पानी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी ले जाया जा सकता है यहाँ पे इलायची और बादाम डला हुआ कहवा बेहद प्रचलित है लद्दाख पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही हुआ करते थे तो इसलिए जब लद्दाख की बात आती थी तो आप वहाँ पे जम्मू कश्मीर लगा देते थे ऑप्शंस में तो भी सही होता था लेकिन अब लद्दाख अलग राज्य है केंद्र शासित प्रदेश है तो अब कभी भी जब प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ पे लद्दाख ही लगाना पड़ेगा तो लद्दाख में देखते हैं कि घर कैसे बने होते हैं लद्दाख में घर पत्थर मिट्टी और लकड़ी के बने होते हैं ये घर दो मंजिल होते हैं जिसमें पहली मंजिल पर परिवार रहते हैं और जो नीचे की मंजिल होती है नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते हैं लेकिन ठंडियों में ये लोग जानवरों के साथ में ही नीचे वाले नीचे मंजिल पर ही चले जाते हैं क्योंकि ठंडी काफ़ी ज़्यादा होती है और इसीलिए नीचे रहते हैं क्योंकि जो नीचे का तापमान होता है बिल्कुल धरती से सट के जो तापमान होता है वो ज़्यादा होता है ऊपर की अपेक्षा और जब जानवरों के साथ में रहते हैं तो उतनी ठंडी का आभास नहीं होता है अब हमने जितना कंटेंट अभी तक कवर किया उसमें से एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो कि सीटेट 2019 में आया हुआ है इस तरह से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं तो काफी सारा प्रश्न एक ही तरह का कई सारा प्रश्न इंक्लूड करना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा एक ये प्रश्न इंक्लूड किया है मैंने आप इसे देखिए सॉल्व कीजिए पॉज करके देखिए आप खुद कर सकते हैं कि नहीं इसके बाद में हम तो कर ही रहे हैं कंसिडर फॉलोइंग डिस्क्रिप्सन ऑफ हाउसेस राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं यह ऑप्शन सही है यह वाला स्टेटमेंट सही है राजस्थान में जो घर होते हैं वो कटीली झाड़ियों से उनकी छतें बनी होती हैं उनकी दीवालें मोटी होती हैं दीवारें मिट्टी की बनी होती हैं बी ऑप्शन है बी स्टेटमेंट है इन मनाली हिमाचल प्रदेश हाउसेस आर मेड ऑफ बॉम्बो पिलर्स हिमा मनाली या हिमाचल प्रदेश में जो घर होते हैं वो बांस के खंभों पर नहीं बल्कि पत्थरों से बनाए जाते हैं सी स्टेटमेंट है इन लेह टू फ्लोर हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन्स द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स ये स्टेटमेंट सही है लेह जो कि लद्दाख में है वहाँ पे जो घर होते हैं दो मंजिल बनाए जाते हैं पत्थर के या मिट्टी के बनाए जाते हैं जो नीचे की मंजिल होती है वहाँ पे जरूरत का सामान रखा जाता है और जो ऊपर की मंजिल होती है वहाँ पे लोग निवास करते हैं अपने परिवार के साथ में तो इस प्रश्न में ए और सही हो ए और सी सही होगा पहले ऑप्शन में है ए और सी तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए और सी इस वीडियो में बस मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए तो इस वीडियो में और इसके पहले जो एक वीडियो था इन दोनों को मिला करके हमने क्लास थ्री की एन सी ई आर टी ई वी एस की कवर कर ली है उसकी समरी अवेलेबल हो गई है अब आगे जो कल वीडियो आएगी उसमें हम क्लास फोर एन सी ई आर टी की समरी देखेंगे तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में थैंक यू जय हिंद